नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। मैं सर्वेश त्रिपाठी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आईबी के इंटेलिजेंस ब्यूरो की जो वैकेंसी आई हुई है, उस वैकेंसी के संबंध में हम लोग बात करने वाले हैं। इसमें आप लोगों की कुछ क्वेरीज थी। इस क्वेरीज में अगर मैं बताऊँ तो सबसे बड़ी बात मैं बताऊँ कि ये जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी असल में आपकी 995 लगभग 1000 वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। ये 1000 वैकेंसी आपकी 2023 की है इंटेलिजेंस ब्यूरो की। ध्यान रखेंगे, इंटेलिजेंस ब्यूरो की ये जो वैकेंसी है, इसमें आपकी जो क्वेरीज थी वो क्वेरीज आपकी तीन चार चीज़ों को लेकर के थी। सबसे बड़ी बात कि इसमें इंटरव्यू कैसा होता है, तो इंटरव्यू का एक सेपरेट वीडियो अलग से लेकर के आऊँगा मैं। उसके विषय में क्या क्या चीज़ें होंगी, वो क्या क्या आपके फैक्टर्स हो सकते हैं, उन सारे फैक्टर्स को मैं बताते हुए चलूँगा। दूसरा जो इसका आप लोगों का सबसे ज़्यादा तीन चीज़ें और फैक्टर में आ रही थी कि तीन चीज़ें और आप लोग ज़्यादा पूछना चाह रहे थे कि सर इसमें हाइट क्या होती है। सबसे बड़ा मेजर फैक्टर आपकी हाइट। दूसरा फैक्टर ये था कि इसके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। और तीसरा फैक्टर इसके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड। तो इन सारे तीन पॉइंट्स को हम एक जगह यहीं पे कवर करते हुए चलेंगे। इसके लिए जान जाइए कि जिस भी चीज़ों का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं उन एक्सपीरियंस को यहाँ जरूर शेयर करूँगा कि फिजिकल स्टैंडर्ड्स में क्या क्या चीज़ें चाहिए, मेडिकल स्टैंडर्ड में क्या क्या चीज़ें चाहिए, आपको अगर हाइट है तो हाइट के लिए क्या चाहिए। देखिए, जनरली अगर मैं बताऊँ, ये आपकी एक तरह से अगर वैकेंसी के बारे में कहा जाए तो ना तो ये आर्मी की वैसी बेसिक जॉब है, ना तो आपके लिए किसी भी तरीके का मेडिकल स्टैंडर्ड या मेडिकल फिटनेस या फिर आपको किसी तरीके का फिजिकल स्टैंडर्ड या किसी तरीके की मेजरेबल हाइट चाहिए होती है। ध्यान रखेंगे, इसका कोई भी पॉइंट यहाँ पे लॉजिकली अगर वैलिड है तो वैलिड नहीं करता है। लेकिन हाँ, इसकी कुछ क्राइटेरिया होती हैं जिन क्राइटेरिया पर आप लोगों को जरूर एक खरा उतरना है। वो तीन क्राइटेरिया के बारे में मैं आपको एक ब्रीफली बता दूंगा कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और किस चीज़ों के लिए यहाँ पर आपको क्या क्या कंसिडर करना चाहिए और क्या क्या कंसिडर करने के साथ क्या क्या चीज़ें आपके लिए यहाँ पर मायने रखती हैं इन सारी चीज़ों के लिए। तो सबसे बड़ी बात है, हम तीन पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे। तीन पॉइंट्स आपके कौन कौन से होंगे। सबसे पहला पॉइंट मैं बता दूंगा आपके लिए, सबसे पहला पॉइंट आपका हाइट स्टैंडर्ड क्या रहना चाहिए एक आईबी पर्सोनल के लिए। ध्यान रखेंगे, एक आईबी में आप जाते हैं तो आईबी के लिए एक आपका हाइट एक हाइट का स्टैंडर्ड बनाया जाता है। उस हाइट का स्टैंडर्ड आपके पर्सनल मतलब आईबी के पर्सनल के लिए क्या चाहिए, आईबी की जॉब करते हैं तो इस आईबी की जॉब के लिए जो पहला रिक्वायरमेंट, जो आपका पहली क्वेरीज थी, वो पहली क्वेरीज आपकी हाइट स्टैंडर्ड को लेकर दी गई थी। देखिए, इसमें किसी तरीके की हाइट की अगर मैं बात करूँ तो आपका हाइट कहीं भी आपके नोटिफिकेशन में मेंशन असल में किया नहीं जाता है। लेकिन एक मिजरेबल हाइट जिसे हम कहते हैं, वो मिजरेबल की हाइट के बारे में मैं बता दूं, ये आपको मेजर करने के लिए एक मिजरेबल हाइट कहा जाता है। इस मिजरेबल हाइट के बारे में मैं बताऊं, कम से कम आपके जो हाइट होनी चाहिए 150 सेंटीमीटर आपके मेल कैंडिडेट के लिए होने ही चाहिए। ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है जो आप अगर कभी आपने अगर एग्जाम दिया होगा असिस्टेंट कमांडेंट के साथ साथ आपने अगर एयरफोर्स एयरमैन का अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो वो एक बेसिक रिक्वायरमेंट मांगता है हाइट के लिए। वो हाइट क्या होती है आपकी, 157 सेंटीमीटर की होती है। और ये हाइट आपके लिए जरूरी है, ये मिजरेबल हाइट है। ये चीज़ आप अगर इस स्टैंडर्ड पे आप खरे उतरते हैं तो यू आर एलिजिबल फॉर हाइट इन आईबी पर्सनल। ध्यान रखेंगे, आईबी पर्सनल के लिए इतनी हाइट होगी और इस हाइट के लिए आपको कम से कम इतना मानक जो है, ये मानक आपको कम से कम ये स्टैंडर्ड आपको फुलफिल करना होगा। तो हाइट का कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ना ही हाइट का इसमें कोई बहुत बड़ा रोल है। लेकिन ये जो आपका एक बेसिक पॉइंट है, ये बेसिक पॉइंट आपका 157 सेंटीमीटर है, इसको जरूर आपको एक पूरा करने वाली बात होती है। चलिए, दूसरे चीज के बारे में मैं बात करूं, दूसरा आपका स्टैंडर्ड क्या होता है कि फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है इस एग्जाम के लिए। ध्यान रखेंगे, ना ही तो ये एक आर्मी की जॉब है, ना ही तो ये किसी तरह की एक जॉब है, लेकिन ध्यान रखेंगे, ना ही तो ये आर्मी की जॉब है, ना ही एक किसी भी तरीके की CAPF की जॉब है जिसमें आपको क्लियरली किसी तरीके का फिजिकल स्टैंडर्ड दिया जाता है। ध्यान रखेंगे, फिजिकल स्टैंडर्ड को आप मोस्ट रिलायबल अगर रिलाई करने की बात मोस्ट अगर रिलेटेबल करने की बात करें तो बहुत कहीं हद तक आप उसको मेडिकल स्टैंडर्ड से रिलेट कर सकते हैं। क्या होता है कि आपके शरीर में मेडिकल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बहुत सारी ऐसी चीज़ होती हैं जिनमें आपको जानने की ज़रूरत होती है कि हम एक्चुअली में उस चीज़ को कैसे फुलफिल कर सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे, अगर फिजिकल स्टैंडर्ड की मैं बात करूं तो फिजिकल स्टैंडर्ड का सीधा सीधा मतलब यही है कि इसमें किसी तरह का कोई फिजिकल स्टैंडर्ड नहीं चाहिए। लेकिन ध्यान रखेंगे, योर बॉडी शुड बी फिट फॉर एनी काइंड ऑफ एटमॉस्फियर, मतलब आपकी बॉडी जो होगी
वो फिट होनी चाहिए एनी काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर। ध्यान रखेंगे योर बॉडी, अगर मैं बात करूं कोई भी आपका आर्मी आपका जो आईबी पर्सनल होने जा रहे हो आप, तो योर बॉडी क्या होनी चाहिए, शुड बी, योर बॉडी शुड बी क्या होनी चाहिए, योर बॉडी शुड बी किस चीज के लिए होनी चाहिए, फिट फॉर एनी काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर, शुड बी फिट फॉर एनी काइंड ऑफ क्या है आपका एटमॉस्फेयर, ठीक ना, यानी इस एटमॉस्फेयर पे कम से कम आपकी बॉडी जो है वो बिल्कुल फिट होनी चाहिए, यानी ये एक आपका बेसिक सा रिक्वायरमेंट है, इस रिक्वायरमेंट को आप रिलेट करेंगे। ध्यान रखेंगे अभी मैं मेडिकल स्टैंडर्ड बताऊंगा, उस मेडिकल स्टैंडर्ड में आपकी आपकी बॉडी से लेकर के आपकी फिजिकल बॉडी कैसी है, आपकी क्या चीज़ है, उन सारी चीज़ों को भी मैं देखते हुए चलूंगा। इसमें तीसरा एक मेजर फैक्टर है वो भी मैं बता दूं, मेडिकल स्टैंडर्ड उस लेवल का नहीं होता है जिस तरीके से आर्मी में कराया जाता है, मेडिकल आर्मी में हो गया, एयरफोर्स में हो गया, या फिर आपके असिस्टेंट कमांडेंट में हो गया, या फिर आपके एनडीए में मेडिकल हो गए, उस तरीके का मेडिकल नहीं होता। लेकिन हाँ, एक मेडिकल स्टैंडर्ड जो होता है वो कहीं ना कहीं रिलेट करता है आपके इस फिजिकल स्टैंडर्ड को। तो ध्यान रखेंगे फिजिकल स्टैंडर्ड में आपकी कुछ रिक्वायरमेंट होती है, उन रिक्वायरमेंट को जरूर आपको पूरा करना चाहिए। वो रिक्वायरमेंट क्या क्या हो सकती हैं, इनके बारे में मैं कैटेगराइज्ड वे में चलूंगा, ध्यान रखेंगे। अब हम जो बात करेंगे वो आपके मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में बात करेंगे। अगर मेडिकल स्टैंडर्ड को मैं बात करूं तो मेडिकल स्टैंडर्ड जो है ना, ये आईबी पर्सनल के लिए, ध्यान रखेंगे एक आईबी का पर्सनल है, अगर मैं बात करूं आईबी का एक पर्सनल है, तो इस पर्सनल के बारे में मैं बता दूं, ध्यान रखेंगे कि अगर आप इसके कर्मचारी बनने जा रहे हो तो आपके कम से कम 8 या 10 तरीके की अगर मैं बात करूं तो एक आपका मेडिकल का स्टैंडर्ड होना चाहिए। उन मेडिकल स्टैंडर्ड में आपको जरूर आपको उस पर खड़ा उतरना है और उसके दायरे में आना है। वो भी ऐसा नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा टफ होता है या बहुत ज़्यादा आपको उसके लिए भागा दौड़ी की जरूरत है या बहुत ज़्यादा आपके लिए चिंता की जरूरत है। अगर आपकी बॉडी है, फिट है और आप एक कहने हैं फिजिकल स्ट्रक्चर अगर आपका बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेहतर है, तो उसमें भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें आपको रिक्वायरमेंट मांगता है, उन रिक्वायरमेंट को मैं कैटेगराइज्ड वे में, अगर मैं कैटेगरी में बांट करके चलूं तो उनको कैटेगरी में आपको मैं बांट करके बताते हुए चलता हूं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं और मेडिकल स्टैंडर्ड्स किस किस टाइप पे काम करता है। तो ध्यान रखेंगे मेडिकल स्टैंडर्ड जो होगा वो डिफरेंट टाइप पे बात करता है और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के बारे में बताता है, कई सारी डिफरेंट चीज़ें हैं। उन डिफरेंट में जो पहली चीज़ आती है, वो पहली चीज़ आती है कि यू शुड बी मेंटली एंड फिजिकली फिट। सबसे बड़ी बात है आपकी कि आप जो हैं वो आप मेंटली और आपके आप जो हैं वो फिजिकली जो हैं वो फिजिकली आप क्या हैं, फिजिकली आप क्या हैं, पूरी तरीके से फिट होने चाहिए। ध्यान रखेंगे आप जो हैं मेंटली यानी दिमागी रूप से और फिजिकली यानी शारीरिक रूप से क्या होने चाहिए, फिट होने चाहिए। ऐसा इसलिए होता है कि अगर कहीं पे आपको कोई जॉब दी जाए और वो अगर आपको टास्क दी जाए तो उस टास्क को आप फुलफिल करने में एलिजिबल हो, यानी आपके अंदर वो एफिशिएंसी हो कि आप उस काम को पूरी अच्छी तरीके से क्या करें, आप उस काम को पूरी अच्छी तरीके से फुलफिल कर सकें। ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है। तो बेसिक सा आई थिंक अगर आपने एग्जाम दिया होगा, एग्जाम देने जा रहे हो, तो इतनी चीज़ें तो आपके अंदर जरूर होनी ही चाहिए और ये आपके अंदर जरूर होता भी है। किसी भी एक कैंडिडेट के अंदर जो एस्पायरेंट्स होता है, उस एस्पायरेंट्स के अंदर अगर इस तरीके का फॉर्म भरने जाता है तो उसके अंदर इस तरीके की चीज़ होनी चाहिए जो आपकी क्या है, वो आपकी मेंटली एंड फिजिकल फिट होने की बात होती है। ध्यान रखेंगे बेसिकली मेंटली एंड फिजिकल फिट होने का मेन मतलब ये होता है कि आपको वो कोई भी अगर काम दिया जाता है या फिर असाइन किया जाता है कोई काम आपको, तो कम से कम आप उस काम को अच्छे तरीके से एफिशिएंटली आप उस काम को बड़े अच्छे तरीके से कर सकें। यही एक इस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है जो आपके लिए क्या होती है कि आप मेंटली और फिजिकली पूरी तरीके से फिट होने चाहिए। दूसरा जो इसका पॉइंट आता है वो पॉइंट आपका कौन सा आता है, वो पॉइंट आपका आई विजन का करके आता है। ध्यान रखेंगे आपको पता है आई विजन को लेकर के, आई विजन आपकी अच्छी होनी चाहिए। आई विजन के बारे में अगर मैं बताऊं तो इसमें दो तरीके से कैटेगराइज्ड है, दो तरीके से कैटेगराइज की मैं बात करूं तो एक होता है आपका डिस्टेंट आई विजन, एक आपका दूर का जो आपका होता है डिस्टेंट आई विजन, और एक जो होता है आपका नियर का, जो नज़दीक की बात होती है, नियर विजन की बात होती है। तो इसमें भी आपका अगर मैं बताऊं नियर विजन के बारे में बताऊं और आपके डिस्टेंट आई विजन के बारे में बताऊं, तो इसमें भी दो कैटेगरीज होती हैं आपकी। एक आपका 6x9 होता है
ध्यान रखेंगे 6/9 आपका मिनिमम होता है, मैक्सिमम आपका 6/12 तक जाएगा। अगर आपका 6/6 है तो ध्यान रखेंगे आप 6/12 तक जा सकते हैं, लेकिन अगर मिनिमम आपका क्या है, अगर आपका 6/9 है तो आप मिनिमम आपका वहां पे रिक्वायरमेंट होता है, ध्यान रखेंगे उस चीज के लिए आपको फुलफिल करना होता है। ध्यान रखेंगे अगर इसके बारे में मैं बताऊं तो नियर विजन में आपका 0.6 होता है, इसके बारे में ध्यान रखेंगे। आई विजन में एक फैक्टर और होता है जिसे आप क्या कहते हैं, जिसे आप कहते हैं ध्यान रखेंगे आपके अंदर कलर ब्लाइंडनेस वाली बात नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? कलर ब्लाइंडनेस। ये तो आपका मेजर सा फैक्टर होता है, ये किसी भी जॉब के लिए रिक्वायरमेंट होती है कि आपके अंदर कलर ब्लाइंडनेस की कोई चीज नहीं होनी चाहिए, यानी कलर ब्लाइंड आप नहीं होने चाहिए। तो ये एक आपका फैक्टर हो जाता है, ध्यान रखेंगे। एक चीज और है इसमें, क्या एक चीज और है इसमें, एक चीज और है कि वन आइड पर्सन इज नॉट अलाउड फॉर सर्विस। ये तो आपको पता है कि एक आपकी जॉब है, ना कि आपको डिजेबल पर्सन के लिए जॉब है, तो वन आइड पर्सन जो होंगे इज नॉट अलाउड, ध्यान रखेंगे वन आइड पर्सन इज नॉट अलाउड फॉर दिस जॉब। यानी ठीक ना, इज नॉट अलाउड फॉर दिस जॉब। अगर इस ये नॉट अलाउड है इस जॉब के लिए तो इसके बारे में भी ध्यान रखेंगे। ये तो आपका कौन सा हो गया, ये दूसरा स्टैंडर्ड हो गया। अगर मैं तीसरे स्टैंडर्ड के बारे में मैं बात करूं तो तीसरा स्टैंडर्ड इसके लिए क्या हो सकता है, वो तीसरा स्टैंडर्ड इसके लिए मैं बताता हूं। वो तीसरा स्टैंडर्ड इसके लिए आपका क्या हो जाएगा, आपकी ब्लड प्रेशर की बात होती है। यानी अगर मैं बात करूं किस बारे में, तो आपका ब्लड प्रेशर किस तरीके का होना चाहिए, और ध्यान रखेंगे ब्लड प्रेशर से कनेक्ट करके आपके, क्योंकि आप किसी भी परिस्थिति या किसी भी आपका सिचुएशन है, उस सिचुएशन अगर मान लो कोई आपको काम असाइन किया गया, कहीं जा रहे हो, वहां पे अचानक से कोई रायट हो गया, तो आपके बीपी यानी बेसिकली ब्लड प्रेशर का जो रिक्वायरमेंट होता है, वो ब्लड प्रेशर का रिक्वायरमेंट आपका इसी एग्जाम के लिए किया जाता है कि ये एग्जामिन इसलिए किया जाता है कि आपका बीपी किस तरीके से क्या है, फ्लक्चुएट करता है, सिचुएशन बेस्ड क्या है फ्लक्चुएशन, और सिचुएशन के बाद क्या फ्लक्चुएशन है, इस तरीके की आपकी इस तरीके की चीजों को क्या किया जाता है, कंसिडर किया जाता है, ध्यान रखेंगे। अगर मैं बीपी की बात करूं मैं, तो बीपी की अगर मैं बात करूं तो बीपी जो है आपका, इसमें दो तरीके से कैटेगराइज किया जाता है। अगर आपकी एज जो है ना वो 18+ है, अगर 18 साल से आप ज्यादा हो तो उसके लिए ध्यान रखेंगे, उसके लिए आपको क्या करना होता है, अगर आपकी एज जो 18+ है तो आपकी 100+ क्या मानी जाती है, आपकी एज मानी जाती है। अगर मैं मान लूं आपकी एज कितनी है, आपकी एज अगर 28 है, मैंने आपकी मान ली कि अगर आपकी एज 28 है तो आपकी बीबी को कंसीडर कर लिया जाएगा, 100+28 यानी 128 अगर आपकी बीपी है तो उसको आपको क्या कर लिया जाएगा, कंसीडर कर लिया जाएगा मैक्सिमम में। लेकिन इससे अगर ज्यादा हुआ तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, आपको एक मेडिकल फिटनेस के लिए आपको फिर से आपको कुछ टाइम दिया जाएगा जिसमें आपको इस तरीके की चीजों पे खरा उतरना होगा। लेकिन अगर आपकी मैं बताऊं एज जो है वो 25+ से ज्यादा है तो मान लो आपको क्या करना होगा, ये तो अगर मैं बात करूं इसके बारे में तो ये आपकी 110 होगी और प्लस एज बाय 2 हो जाएगा। यानी आपकी क्या होनी चाहिए, मान लो 28 साल एज है आपकी, ये बाय 2 हो गया प्लस आपका क्या हो गया 100 हो गया, मतलब आपके कितने हो गए 114 आपका बीपी, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए, ये आपका मेन कंसीडर किया जाता है। आगे चलता हूं मैं, अगर इसके बारे में और मैं बताऊं बीपी के बारे में, तो बीपी बेसिकली आपका ब्लड प्रेशर एक नॉर्मल सिचुएशन के लिए होता है कि आप डिफिकल्ट सिचुएशन या फिर आपकी ऐसी कोई सिचुएशन होती है जिस सिचुएशन में आपको आप फिजिक आप अगर मैं कहूँ उस सिचुएशन में आपका बीपी जो है वो फ्लक्चुएट करता है तो उसके लिए आपको यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा, ध्यान रखेंगे। आपका एक एग्जामिन और है जिस एग्जामिन के बारे में मैं बताऊं, वो आपका यूरिन एग्जामिन होता है, एक नॉर्मल सा टेस्ट होता है, इसके बारे में आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बेसिक सा है और इसके बारे में बेसिक सा ही एग्जामिन होता है। यूरिन टेस्ट का एक एग्जामिनेशन होता है, यूरिन टेस्ट का एग्जामिनेशन क्या है, उस यूरिन टेस्ट के एग्जामिनेशन में आपको आपके यूरिन का सैंपल लिया जाता है और उस यूरिन के सैंपल को आगे चल करके किस में डिपार्टमेंट में उस तरीके की चीज़ों को भेजा जाता है कि आपकी किसी तरीके की कोई डिजीज या फिर किसी तरीके का ड्रग्स वगैरह ना लेना हो, इस तरीके की चीज़ों को कंसिडर करके बताया जाएगा। इसके बाद जो आपका एक टेस्ट होता है वो टेस्ट आपका कौन सा है, चौथे नंबर पाँचवें नंबर का वो आपका कौन सा टेस्ट है, वो आपका ईयर टेस्टिंग है। क्या है, ईयर टेस्टिंग, यानी आपके कान की टेस्टिंग कैसे होगी, ध्यान रखेंगे कान की टेस्ट ये होती है बेसिकली आपके आपके कान की सुनने की क्षमता, मतलब आपकी हियरिंग टेस्ट इसे कह सकते हो, आप इसे हियरिंग टेस्ट कह सकते हो कि आपके कान की सुनने की क्षमता कितनी अच्छी है। यानी इसके बेसिक फंडा ये है बेसिकली
विस्परिंग साउंड आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं। बेसिकली क्या होता है कि आप यहाँ खड़े होते हैं और आपसे एक या दो मीटर पीछे एक कोई मेडिकल एग्जामिनर खड़ा होगा, और वो एग्जामिनर क्या होगा, आपके कान पे ऐसे कुछ एक मेडिकल एग्जामिनर आपके पास खड़ा होगा, वो आपके कान के पास क्या करेगा, ऐसे एक छोटा सा पेपर का टुकड़ा लगाएगा, उस पर ऐसे खरखर करेगा, मतलब ऐसे खरखर की आवाज़ आएगी, और पीछे से वहां जा करके कोई आदमी क्या होता है, एक साउंड विस्पर करता है, मतलब फुसफुसाता है वो। अगर वो विस्पर आपको सुनाई क्लियरली दे देता है तो आप उस एग्जाम के बिल्कुल बेसिक सा है, इसमें मैक्सिमम लोग आप लोग क्या करेंगे, इसमें आप मैक्सिमम लोग पास हो जाते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा सोचने की बात नहीं है। और छठा टेस्ट जो होता है आपका, आपके टीथ के बारे में और आपकी स्पीच के बारे में, स्पीच एंड टीथ, मतलब आपके टीथ की जो बनावट है ना बहुत अच्छी होनी चाहिए, ध्यान रखेंगे 32 काउंट किए जाएंगे, आपके 32 दांत होने चाहिए, और 32 दांत के बारे में मैं बताऊं तो जो दांत होने चाहिए ना वो बिल्कुल शेप में होने चाहिए, बहुत ही परफेक्ट शेप में होने चाहिए, तो ये थोड़ा सा कंसिडर किया जाता है। और आपके बोलने की जो चीज़ है ना, आप बोलो, बोलने के बाद क्या होता है, आपके बोलने की क्षमता होनी चाहिए, एफिशिएंसी आपकी बोलने में बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। चलिए इसके बाद मैं बताऊं, ध्यान रखेंगे, एक आपका जो सातवें नंबर का मेडिकल है, सातवें नंबर का मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, वो आपके चेस्ट को लेकर के है। चेस्ट को लेकर के बेसिकली ये है कि आपका जो चेस्ट होना चाहिए ना, वो आपका क्या होना चाहिए, वो आपका वेल शेप्ड होना चाहिए, यानी फिजिकली आप चेस्ट में ना बहुत ही अच्छे तरीके से वेल फॉर्म्ड होना चाहिए चेस्ट, इसी में किसी तरीके का कोई डिसफॉर्म्ड नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा बेढंगा नहीं होना चाहिए चेस्ट, बेसिकली आपका चेस्ट जो हो फॉर्म में हो, अच्छे खासे फॉर्म में हो, मतलब बेसिकली कह सकते हैं इसको, वो स्टैंडर्ड क्या होता है वो ध्यान रखेंगे। चेस्ट का जो एक्सपेंशन होता है ना, वो 5 सेंटीमीटर का क्या होता है, एक्सपेंशन होता है, वो इनको चाहिए, वो एक्सपेंशन होता है। और ध्यान रखेंगे अगर आप एक्सरसाइज करते हो ना, तो वो आप अगर मेडिकल एग्जामिनेशन के पहले अगर एक दो महीने पहले आप एक्सरसाइज कर लोगे ना तो वेल फॉर्म्ड हो जाता है, ये नॉर्मल सा टेस्ट है, इसके बारे में भी ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है आपको, ध्यान रखेंगे। आठवें नंबर की बात करें तो आपका हैंड वेल आपका क्या होना चाहिए, आपका जो हैंड है ना वो वेल फॉर्म्ड होना चाहिए, किसी तरीके का कोई मुड़ा होना, जैसे मान लो किसी का एक्सीडेंट के हैंड जो है, हैंड के बाद मैं बता दूं फूट के बारे में, और मैं फीट के बारे में बता दूं, इसके बारे में आप देखेंगे, ध्यान रखेंगे। हैंड जो होता है ये एल्बो की बात होती है, बेसिकली आपका जो ज्वाइंट है ना बिल्कुल परफेक्ट फॉर्म में होनी चाहिए, ऐसे आप करो सीधा करो, कुछ लोग के होते हैं जैसे सीधा नहीं हो पाते हैं, कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं, आपकी अगर किसी पैर में आपकी अगर रॉड पड़ी हुई है तो उसके लिए भी आपका स्टैंडर्ड क्या है, उस चीज़ के लिए भी क्या है, तो इन सारी चीज़ों को आपका वेल सेप्ड में होना चाहिए, इसका आप देख लेंगे, ध्यान रखेंगे। फीट के बारे में अगर मैं बताऊं तो फीट के बारे में आपको ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, एक्चुअली क्या है, आपका पूरा पैर का पंजा किसी जमीन पर छाप नहीं छोड़ना चाहिए, आपका जो शेप होता है ना वो किनारे जो पट्टी होती है उतना, इसका आप टेस्ट आप घर पे भी कर सकते हो, अगर आप क्या हो, आप पानी से भीगे हो और नंगे पैर पे अगर आप फर्श पे चलते हो ना तो उस पर आपका एक शेप आ जाता है, ऐसे करके ऐसे शेप आता है, वो पूरी तरीके से ऐसे थप्पा ना आए, ध्यान रखेंगे। वो चीज़ क्या होती है, वो चीज़ फ्लैट फीट कहलाती है, फ्लैट फीट ना हो, फीट आपकी क्या हो, ऐसे शेप में हो, ध्यान रखेंगे, इस तरीके की शेप में होनी चाहिए, और उसे आप घर पे टेस्ट कर सकते हो, अगर नंगे पाँव आप किसी पानी में भीगो चलो फिर फर्श पे चलो, आप उस पर देख लोगे आपके कदमों के जो चिन्ह होंगे ना, कदमों के जो मार्क होंगे ना, आपके फुट मार्क होंगे, उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपकी फ्लैट फीट है कि नहीं है, उसको भी आप देख लेंगे, ध्यान रखेंगे। इसके बारे में अगर नेक्स्ट के बारे में मैं बताऊं तो एक नेक्स्ट आपका स्टैंडर्ड क्या है, उसने नेक्स्ट स्टैंडर्ड के बारे में बताऊं, 9 नंबर का मेडिकल स्टैंडर्ड है जिसके बारे में मुझे बताना है, तो वो बेसिकली ये है कि आपके ध्यान रखेंगे किसी भी तरीके का जो आपका है कॉन्जेंटियल जो आपका डिजीज है वो नहीं होना चाहिए, यानी इसको मैं बताऊं ये आपकी क्या होनी चाहिए, ये आपकी आनुवांशिक बीमारी नहीं होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए आपकी आनुवांशिक, यानी पैट्रियल नहीं हो बीमारी आपकी, क्या हो ऐसी कोई चीज़ हो, पैट्रियल नहीं हो, ध्यान रखेंगे। इनक्यूरेबल डिजीज नहीं होनी चाहिए, यानी ऐसी डिजीज जिसमें कम से कम आपको क्योरेबल हो, मतलब उसका इलाज हो सके, इनक्योरेबल ना हो, तो इसको भी ध्यान रखेंगे, ये भी आपके लिए यहाँ पे हो जाएगा। चलिए, और ऐसी कोई भी बीमारी हो जो लंबे समय से ना चलती आई हो, ठीक है, इसके बारे में ध्यान रखेंगे। ऐसी कोई डिजीज हो जो कम्युनिकेबल ना हो, यानी आप क्या हो, फ्री फ्रॉम किससे हो, फ्री फ्रॉम कम्युनिकेबल डिजीज, यानी किसी भी डिजीज से, किसी भी कम्युनिकेबल डिजीज से क्या हो, आप बिल्कुल फ्री हो, मतलब आपके संपर्क में आने से किसी भी तरीके का कोई किसी को क्षति ना पहुंचाए, ध्यान रखेंगे। इसके बाद क्या होता है, ये सारी एक मेडिकल एक स्टैंडर्ड है, ये लगभग सभी लोग इस स्टैंडर्ड में, मानक जो ये स्टैंडर्ड है, इस मानक को लगभग सभी लोग पूरा कर पाते हैं,
और जिन लोगों का भी इसमें थोड़ा बहुत इधर उधर होता है तो उनके कुछ टाइम मिल जाते हैं आपको, ध्यान रखेंगे। इन सारी चीज़ों के होने के बाद क्या होता है, आपको एक फॉर्म दिया जाता है। फॉर्म देने का बेसिक मतलब ये है कि उसमें कुछ तरीके के टेस्ट को टिक किया गया होता है और उस टेस्ट को आपको जाके क्या करना है, उस टेस्ट को आपको जाकर के किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल होती है, उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर के आपको क्या करना, वो सारे टेस्ट कराने होते हैं। और उन सारे टेस्ट कराने के बाद आपको क्या करना होता है कि उनके रिपोर्ट्स को आपको ला करके डिपार्टमेंट में सौंपनी होती है। उसके बाद आपका मेडिकल फिटनेस का आपका सर्टिफिकेट दे दिया जाता है और आपको जॉब के लिए ज्वाइन करा दिया जाता है। ध्यान रखेंगे ये सारी आपकी एक तरीके से आईबी को लेकर के जो आपके मन में डाउट्स थे इतने ही हैं, इससे ज़्यादा आप चीज़ों को रिलेट नहीं करेंगे। कहीं भी आप कुछ भी चीज़ों को आप एक्स्ट्रा ना समझें, ना देखें, ना जानें। यही एक छोटा सा बेसिक सा मेडिकल मेडिकल कह लो, फिजिकल कह लो, हाइट के लिए कह लो, ये बिल्कुल यही बेसिक सा है। किसी भी तरीके का इससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट आपको जरूरत नहीं होगी और इतनी रिक्वायरमेंट आपको लगभग हर जॉब में पानी है और हर जॉब में इसकी रिक्वायरमेंट आपको देखने को मिलेगी। ध्यान रखेंगे इसी को लेकर के आपको पता है कि ये जो आपके इंटेलिजेंस ब्यूरो की जो CIO की वैकेंसी आई है, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर की, तो इस असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर में मैं सर्वेश त्रिपाठी, आपको पता है कि मेरा खुद का इसमें सिलेक्शन हुआ है। 2017 वाली वैकेंसी में पूरी तरीके से फाइनल सिलेक्शन हुआ था। तो फाइनल सिलेक्शन में करने के बाद मैं बता दूं कि जो जो चीज़ें आपकी मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए आई हैं उन चीज़ों के लिए, और इसी को लेकर के हम लोग परीक्षा प्लस की पूरी टीम, इस कोर्स को लेकर के क्या आई हुई है, पूरी तरीके से आपको कोर्स कराने के माध्यम से, ध्यान रखेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बेहतरीन ढंग से इस कोर्स का संचालन किया जाएगा। और इस कोर्स के संचालन के साथ साथ आपको मैं बता दूं कि बहुत ही अच्छे तरीके से कोर्स का संचालन के साथ साथ आपको पता है कि जितने आपके बेसिक चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। मैं खुद आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा, इसके बाद मैं बता दूं इस तरीके से चीज़ के लिए, जैसे मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स के लिए आप देखेंगे, मैथ्स के लिए क्या होता है, मैथ्स के लिए आलोक सर मैथ्स आपको पढ़ाएंगे। उसके बाद अगर मैं बताऊं आपके रीजनिंग के लिए आशीष सर रीजनिंग पढ़ाएंगे। और जीए के एजुकेशन, जीए जो आपकी होती है उस जीए को टीच करने के लिए आपको पता है कि जीए के लिए हमारे जो सर हैं रमन सर, वो आपको पढ़ाएंगे। ध्यान रखेंगे अगर इसके बारे में मैं सारी चीज़ें आपको बता दूं तो परीक्षा प्लस टीम ने कोर्स लॉन्च किया है IBA CIO के लिए। इस CIO के लिए अगर मैं बताऊं तो इस कोर्स को मेरे द्वारा ही मैं पूरी तरीके से इस कोर्स को संचालित करूंगा। जिस तरीके से मेरी रिक्वायरमेंट होगी, मैं अपने उस स्टैंडर्ड को लेकर जो मेरी एक्सपीरियंस रही है, जो मेरा एग्जाम में पूरी तरीके से एक्सपीरियंस रहा है, उस एक्सपीरियंस को आप लोगों से शेयर कर दूंगा। हर हर टाइम, हर चीज़ के टाइम पे, प्रत्येक समय में जो जो आपके रिक्वायरमेंट होंगे, जो जो आपकी चीज़ें होंगी, उन सारी चीज़ों के लिए ध्यान रखेंगे। इसका दूसरा जो फेज होता है वो दूसरा फेज आपका इसी कोर्स के थ्रू आपका कराया जाएगा, जिसको भी खुद मैं ही कराऊंगा। डिस्क्रिप्टिव हो गया और डिस्क्रिप्टिव में आपका जो प्रेसिस राइटिंग का होता है, ध्यान रखेंगे। IBA CIO कोर्स जो टीम परीक्षा प्लस लेकर के आई है वो आपका ध्यान रखेंगे 199 और 199 ध्यान रखेंगे। पहले अगर मैं बात करूं, पहले 50 छात्रों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी आपकी पहले 50 छात्रों के लिए है, तो पहले 50 छात्रों के लिए मैं बता दूं ये आपकी कौन सी होगी, ये आपकी 199 के कोर्स में ये पूरी तरीके से होगी। इसमें आपको पता है कि ये आपके कोर्स जो होंगे, ये कोर्स आपके एग्ज़ाम टिल एग्ज़ाम आपके वैलिड रहेंगे, और वैलिड होने की बात करूँ स्टडी मटेरियल भी मिलेंगे, सेक्शनल टेस्ट भी मिलेंगे, और ये कोर्स अगर मैं बताऊं तो प्रॉपर गाइडेंस में होगा। और प्रॉपर गाइडेंस मैं आपको करते हुए चलूंगा कि किस किस तरीके से क्या क्या करना होगा, क्या क्या आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट होगी, उन सारे रिक्वायरमेंट को हम लोग पूरा करते हुए चलेंगे। तो चलिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और जिस की और भी कोई आपकी जिस तरीके की आईबी को लेकर के क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करें, और कमेंट बॉक्स में अगर कमेंट करेंगे तो हम उन सारी चीज़ों का आपको एक सेपरेटली वीडियो बना करके ले आऊँगा। मैं इस पर मैं बताऊँगा कि इसके बाद इंटरव्यू कैसा होता है, उस इंटरव्यू पे भी वीडियो लेकर के आऊँगा मैं। चलिए तब तक के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू।